वेलकम बैक माई डियर किड्स हाउ आर यू आई एम्पायर योर कम्प्यूटर टीचर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सेवेन ऑफ कंप्यूटर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज द नेम ऑफ आवर बुक इज साइबर क्रिएटर्स क्लास वन आज हम अपना चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का नाम है कोड विद स्क्रैच जूनियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे स्टार्टिंग स्क्रैच जूनियर माय फर्स्ट कोड एडिंग न्यू बैकग्राउंड कि हम एक न्यू बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं एडिंग अट्स मेक अ स्प्राइट टू से कंपोनेंट्स ऑफ जूनियर मूविंग अ स्प्राइट रिपिडली रिमूविंग द एग्जिस्टिंग और द स्प्राइट इन सब चीजों के बारे में हम अपने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिफोर वी बिगिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कलर द पिक्चर ऑफ स्प्राइट ऑफ स्क्रेच जूनियर गिवेन बिलो आपको पिक्चर दी हुई है आपको इसको क्या करना है बहुत सुंदर से कलर करने हैं तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्क्रैच जूनियर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एनिमेटेड स्टोरीज एंड गेम्स जूनियर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं एनिमेटेड स्टोरीज बनाते हैं और क्या बनाते हैं एनिमेटेड गेम्स बनाते हैं इट इज द इजीएस्ट ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सबसे ईजी ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म भी है न पुट ब्लॉक्स टूगेदर टू क्रिएट अ कोड जहां पे आप क्या करते हैं ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं और एक कोड बनाते हैं नाउन अबाउट स्टार्टिंग स्क्रेच जूनियर अब हम पढ़ेंगे कि स्क्रैच जूनियर को कैसे स्टार्ट करते हैं टू स्टार्ट स्क्रेच जूनियर फॉलो दी स्टेप हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा स्क्रैच जूनियर को स्टार्ट करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है क्लिक ऑन द ऑल एप्स ऑप्शन उसके बाद ऑल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट स्क्रैच जूनियर और उसमें से आपको स्क्रैच जूनियर को सिलेक्ट करना है क्लिक ऑन द होम बटन उसके बाद आप होम बटन पे क्लिक करेंगे नाउ क्लिक ऑन द प्लस साइन टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट और उसके बाद प्लस साइन पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे ये देखिए ऐसा प्लस साइन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा आपके लिए तो जैसे ही आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो आपको सबसे पहली विंडो मिलेगी कौन सी स्क्रैच जूनियर की देखिए इस तरह की विंडो मिलेगी आपको नाउ वी विल लर्न अबाउट द नाउलोनेट ऑफ स्क्रैच जूनियर हम अब स्क्रैच जूनियर के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को पढ़ेंगे द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ स्क्रैच जूनियर आर नंबर वन होम बटन सबसे पहला क्या होता है होम बटन देखिए वन ये होम बटन का यूज किस लिए किया जाता है इट इज यूज टू सेव द प्रोजेक्ट एंड रिटर्न टू द होम पेज इस बटन की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट वन नंबर टू स्प्राइट अब हम पढ़ेंगे स्प्राइट के बारे में इट इज द मेन देक्टर डेट परफॉर्म्स एक्शन ऑन द स्टेज ये सबसे मेन करेक्टर है जो क्या करता है स्टेज पर एक्शन परफॉर्म करता है नंबर थ्री स्टेज इट इज मूव एंड परफॉर्म एक्शन ये वो मेन एरिया है जहां पर करेक्टर्स मूव करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं नंबर फोर प्रोग्रामिंग एरिया एंड कोडिंग एरिया अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एरिया के बारे में जिसे हम कोडिंग एरिया भी कहते हैं इट इज द बॉटम एरिया ऑफ द स्क्रैच जूनियर विंडो ये स्क्रैच जूनियर विंडो का बॉटम एरिया है वेयर यू कनेक्ट ब्लॉक्स टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट जहां पर आप ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए नंबर फाइव ब्लॉक कैटेगरीज इट इज द मेन्यू ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स वेयर यू कैन सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ ब्लॉक ब्लॉक कैटेगरी से आप समझ रहे होंगे इसका मतलब है कि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स मिलते हैं तो अभी हम आगे इन सब ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक्स कैटेगरी अब हम ब्लॉक कैटेगरी के डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे नंबर वन Block category. क्या होता है और ये कौन से कलर में होते हैं दीज आर येल्लो इन कलर ये ब्लॉक्स कैसे कलर के होते हैं येल्लो कलर के होते हैं नंबर टू मोशन ब्लॉक कैटेगरी टगरीज आर यूज टू मेक अट मूव ऑन द स्टेज दीज आर ब्लू इन कलर मोशन कैटेगरी के ब्लॉक से क्या होता है मूव करती है और ये कौन से कलर के होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं नंबर सी लुक्स ब्लॉक कैटेगरी दीज ब्लॉक्स आर यूज टू चेंज द लुक ऑफ द स्प्राइड लुक से आप समझ रहे हैं क्या मतलब कि के लुक को चेंज करते हैं हम इस ब्लॉक की हेल्प से और ये पर्पल कलर के ब्लॉक होते हैं बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए कि सब ब्लॉक्स के कलर्स क्या होते हैं डिफरेंट कलर्स होते हैं नेक्स्ट वन साउंड ब्लॉक कैटेगरी दीज ब्लॉक्स आर यूज टू एड साउंड टू द प्रोजेक्ट दीज आर ग्रीन इन कलर साउंड ब्लॉक कैटेगरी की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट में साउंड इंसर्ट करते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं नेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्क्रिप्ट इस ब्लॉक की हेल्प से हम स्क्रिप्ट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं दीज आर ऑरेंज इन कलर और ये ऑरेंज कलर के होते हैं नेक्स्ट एंड ब्लॉग्स कैटेगरी दीज ब्लॉग्स आर यूज फॉर एंडिंग अ स्क्रिप्ट इन ब्लॉग्स की हेल्प से हम स्क्रिप्ट को एंड करते हैं चेंजिंग द स्पेसिफाइड पेज ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के कोई एक स्पेसिफाइड पेज को चेंज करते हैं एंड रनिंग अ स्क्रिप्ट रिपिडली और स्क्रिप्ट को रिपिडली रन करते हैं नाउ वी विल अबाउट ब्लॉक पैलेट के बारे में पढ़ेंगे डेट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इन टू द कोडिंग एरिया ब्लॉक पैलेट में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं आप उसे क्या कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने कोडिंग एरिया में द नेक्स्ट वन इज ग्रीन फ्लैग इट इज यूज टू रन और प्ले अ स्क्रैच जूनियर प्रोग्राम ग्रीन फ्लैग की हेल्प से हम स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट को रन और प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज बैकग्राउंड इट इज यूज टू एड अ न्यू बैकग्राउंड कि आपके प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड चेंज अगर हमें करना है तो हम किससे करेंगे बैकग्राउंड ब्लॉक से करेंगे नंबर नाइन एड न्यू स्प्राइट इट इज यूज टू एड अ न्यू स्प्राइट ये हमारे प्रोजेक्ट में एक नई स्प्राइट को ऐड करती है उसे ऐड करने में अगर हमें हेल्प की जरूरत है तो हम ऐड न्यू स्प्राइट की हेल्प से उसको ऐड करेंगे नाउ लेट टू अभी तक हमने जितना पढ़ा हम उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन करते हैं एक्सप्लेन द द यूजेस ऑफ फॉलोइंग पे कुछ नाम दिए हुए हैं हमें क्या करना है उसके बारे में लिखना है एक्सप्लेन करना है उनको कि उनका क्या यूज है नंबर वन स्टेज नंबर टू स्प्राइड एंड नंबर थ्री ग्रीन फ्लैग आप एक बार अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा और ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे यू हैव टू डू बायर सेल्फ नाउ माई फर्स्ट कोड मेरा पहला कोड लेट अस क्रिएट अ कोड टू मूव द स्प्राइट अब हम एक कोड को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं स्प्राइट को मूव करने के लिए टू डू सो फॉलो दी स्टेप तो इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप दिए हुए हैं वी हैव टू फॉलो इट नंबर वन ड्रैग एंड ड्रॉप द मूव राइट ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया हमें सबसे पहले क्या करना है मूव राइट ब्लॉक को कहा है कोडिंग एरिया में करना है नाउ क्लिक ऑन द नंबर रिटन इन द मूव राइट ब्लॉक एंड चेंज इट्स वेल्यू बाई फाइव और उसके बाद हमें क्लिक करना है किस पर मूव राइट ब्लॉक पर क्या चेंज करने के लिए नंबर वहां पर जो भी नंबर लिखा है हमें क्या नंबर लिखना है फाइव लिखना है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वन क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट इज उसके बाद हमें स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए द स्प्राइट मूव्स फाइव स्टेप राइट ऑन द स्टेज अब स्प्राइट क्या करेगी फाइव स्टेप मूव करेगी पर पर. अब हम पढ़ेंगे कैसे करती है. टू मूव स्प्राइट रिपिडली फॉलो दिस स्टेप नंबर वन क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी सबसे पहले मोशन ब्लॉक कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप मूव राइट इन द कोडिंग एरिया उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किस को मूव राइट को कहा पर कोडिंग एरिया पे नेक्स्ट वन क्लिक ऑन द एंड ब्लॉक कैटेगरी उसके बाद आप एंड ब्लॉक कैटेगरी पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे नंबर फोर ड्रैग एंड ड्रॉप द रिपीट फॉर एवर ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया फिर कोडिंग एरिया में आप रिपीट फॉर एवर ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे नंबर फाइव इट विद मूव राइट ब्लॉक और उसके बाद आप उसको स्नैप करेंगे किससे मूव राइट ब्लॉक से दिस ब्लॉक रिपीट द स्क्रिप्ट ओवर एंड ओवर और उसके बाद यह ब्लॉक क्या करेगा स्क्रिप्ट को रिपीट करेगा बार बार क्लिक ऑन द ट्रिगिंग ब्लॉक कैटेगरी उसके बाद आप ट्रिगिंग ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे ट्रैग एंड ड्रॉप द स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक एंड स्नैप इट, उसके बाद आप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक पर बिफोर द मोशन ब्लॉक किससे पहले मोशन ब्लॉक से पहले दिस विल अलाउ यू टू स्टार्ट और एग्जीक्यूट योर स्क्रिप्ट यूजिंग द ग्रीन फ्लैग बटन और ये आपको अलाउ करेगी किस लिए स्टार्ट और एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट पर बाय ग्रीन फ्लैग बटन तो देखिए ये क्या है मूव राइट ब्लॉक का ऑप्शन है एंड दिस इज स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक एंड दिस इज रिपीट अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट में किसी चीज को रिपीट करना है सो दिस ब्लॉक विल हेल्प यू एडिंग न्यू बैकग्राउंड अब अपने प्रोजेक्ट में हम न्यू बैकग्राउंड को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में अब हम सीखेंगे क्लिक ऑन द बैकग्राउंड बटन टू एड अ न्यू बैकग्राउंड तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड बटन पर क्लिक करेंगे किस लिए नया बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिलेक्ट द बैकग्राउंड ऑफ़ योर चॉइस और फिर देखिए आप अपनी चॉइस का कोई सा भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं क्लिक ऑन द टिक साइन टू ऐड द सिलेक्टेड बैकग्राउंड सपोज मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज किया तो मैं इस बैकग्राउंड पे टिक के साइन पर क्लिक करूंगी और वो मेरे प्रोजेक्ट में इंसर्ट हो जाएगा देखिए पहले बैकग्राउंड प्लेन था उसके बाद जब मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज किया टिक साइन को क्लिक किया तो मेरे प्रोजेक्ट में मेरा चूज किया हुआ बैकग्राउंड इंसर्ट हो गया नाउ वी विल लर्न रिमूविंग स्प्राइट की एग्जिस्टिंग स्प्राइट को कैसे रिमूव किया जाता है टू रिमूव द एग्जिस्टिंग स्प्राइट फॉलो दिस स्टेप तो फिर हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना है इस मेथड को समझने के लिए ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द डिफॉल्ट स्प्राइट तो सबसे पहले आप अपना पॉइंटर कहा लेके आएंगे डिफॉल्ट स्प्राइट पर प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट तो आप यहां पर लाके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और उसको होल्ड करेंगे अ रेड क्रॉस साइन अपर ऑन द स्प्राइट और रेड क्रॉस साइन अपीयर होगा कहां पर स्प्राइट पर क्लिक ऑन इट टू रिमूव द स्प्राइट तो जैसे ही आप रेड क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये स्प्राइट क्या होगी आपके प्रोजेक्ट से रिमूव हो जाएगी नाउ वी विल लर्न हाउ टू एड स्प्राइट अब अपने प्रोजेक्ट में हम न्यू स्प्राइट को कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे न चेंज अ करेक्टर एज पर योर चॉइस टू डू सो फॉलो दिस स्टेप आप अपनी चॉइस का कोई सा भी करेक्टर अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हैं लेकिन उसको लेने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना है. नंबर वन टू एड स्प्राइट. क्लिक ऑन प्लस साइन इन द लेफ्ट पेन तो सबसे पहले अगर आपको न्यू स्प्राइट को ऐड करना है तो लेफ्ट साइड पर आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट द द एस्ट्रोनॉट एंड क्लिक ऑन टिक साइन और उसके बाद मैंने एस्ट्रोनॉट की स्प्राइट को चूज किया उस पर क्लिक किया किस पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक किया तो स्प्राइट चेंज हो गई मेरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले प्लस के साइन पे क्लिक किया फिर अपनी चॉइस की एक स्प्राइट चूज की आफ्टर देन क्लिक ऑन राइट बटन एंड इट्स ऐड इन आर प्रोजेक्ट नाउ वी विल लर्न हाउ टू रिसाइजिंग और श्रिंकिंग द स्प्राइट सपोज हमने कोई स्प्राइट बनाई है वो बहुत बड़ी है तो उसको कैसे रिसाइज़ करना है या फिर श्रिंक करना है श्रिंक का मतलब छोटा करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी तो सबसे पहले लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप द श्रिंक ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया उसके बाद आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसको श्रिंक ब्लॉक को अपने कोडिंग एरिया में क्लिक ऑन द ब्लॉक मल्टीपल टाइम टू श्रिंक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट और फिर आप अपने ब्लॉक पर मल्टीपल टाइम क्लिक करेंगे किस लिए उसको श्रिंक करने के लिए आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा छोटा होगा जितनी बार आप क्लिक करते रहेंगे वो क्या होगा साइज में श्रिंक हो जाएगा सिलेक्ट द श्रिंक ब्लॉक एंड ड्रैग इट आउट ऑफ द कोडिंग एरिया तो उसके बाद आपको श्रिंक ब्लॉक को क्या करना है ड्रैग आउट करना है अपने कोडिंग एरिया से टू टू इट द एक्चुअल साइज फॉलो दी स्टेप अब हमने किसी चीज को श्रिंक किया लेकिन हमें क्या करना है उसको उसी के एक्चुअल साइज पे रीसेट करना है सपोज पहले आपने कोई पिक्चर फुल पेज पे ली आपने उसको श्रिंक करके हाफ पेज फेंक लिया बट अब आपको वापसी वही साइज चाहिए जो पिक्चर का पहला था उसके लिए भी कुछ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी तो सबसे पहले आप लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप द रीसेट साइज ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया उसके बाद आप रीसेट साइज ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहां पर कोडिंग एरिया में क्लिक ऑन द ब्लॉक टू रीसेट इट टू इट्स एक्चुअल साइज उसके बाद आप क्लिक करेंगे ब्लॉक पर उसको क्या करने के लिए रीसेट करने के लिए उसके एक्चुअल साइज पर यहां पर देखिए वो कितना छोटा है लेकिन जब आपने उसको रीसेट किया तो वो अपने एक्चुअल साइज पर वापस आ गया नाउ लेट्स मेक स्प्राइट टू से अब हमने जो अपने प्रोजेक्ट में स्प्राइट को इंसर्ट किया है अब हम क्या करेंगे उससे कुछ बुलवाएंगे हम देखेंगे कि वो कैसे कुछ कहती है तो चलिए उसके लिए भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे टू मेक स्प्राइट से हेलो फॉलो दर हम चाहते हैं कि हमारी स्प्राइट हमें हेलो बोले तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है नंबर वन क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी तो सबसे पहले हम लुक्स ब्लॉक कैटेगरी पर क्लिक करेंगे नाउ ड्रैग द सेव ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक्स कैटेगरी टू द कोडिंग एरिया और उसके बाद आप ड्रैग करेंगे से ब्लॉक को कहा से ब्लॉक कैटेगरी से कहा पर ड्रैग करेंगे कोडिंग एरिया में क्लिक ऑन द से ब्लॉक एंड द मैसेज विल बी डिस्प्ले इन अ स्पीच बबल ऑन द स्टेज तो जैसे ही आप से ब्लॉक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा एक मैसेज डिस्प्ले होगा इन आर स्पीच बबल ऑन द स्टेज स्पीच बबल के फॉर्म में स्टेज पर आपको डिस्प्ले होगा नाउ आई विल टेल यू वन कंप्यूटर मैनर डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर आ कंप्यूटर हमें कभी भी कंप्यूटर के पास कुछ भी चीज को खाना पीना नहीं चाहिए नाउ लेट्स रिवाइंड हमने अपने कंप्लीट चैप्टर में जो भी पढ़ा चलिए जल्दी से उसको एक बार रिवाइंड करते हैं स्क्रैच जूनियर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एनिमेटेड स्टोरीज एंड गेम स्क्रैच जूनियर प्रोग्राम क्या है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एनिमेटेड स्टोरीज और गेम्स को बनाता है इट इज द इजिएस्ट ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सबसे ईजीएस कोडिंग प्लेटफॉर्म ये एक कोडिंग प्लेटफॉर्म भी है वेयर यू कैन पुट ब्लॉग्स टूगेदर टू क्रिएट आ कोड जहां पर आप डिफरेंट ब्लॉग्स को एक साथ जोड़ते हैं एक नया कोड बनाने के लिए होम बटन इज यूज टू सेव द प्रोजेक्ट एंड रिटर्न टू द होम पेज हमें अपने प्रोजेक्ट को अगर सेव करना है तो हम होम बटन की हेल्प से उसको कर सकते हैं स्प्राइट इज द मेन करेक्टर डेट परफॉर्म्स एक्शन ऑन द स्टेज स्टेज पर जो सभी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो कौन है सबसे मेन करेक्टर स्प्राइट है स्टेज इज द मेन एरिया वेयर करेक्टर्स मूव एंड परफॉर्म एक्शन तो जो भी करेक्टर्स मूव करते हैं या परफॉर्म करते हैं कहाँ पर करते हैं स्टेज पर करते हैं स्टेज उनके एक्शंस को करने के लिए सबसे मेन एरिया है प्रोग्रामिंग एरिया ऑब कोडिंग एरिया इज द बॉटम एरिया ऑफ द स्क्रैच जूनियर विंडो वे यू कनेक्ट ब्लॉक्स टूगेदर टू क्रिएट अ ब्लॉक कैटेगरी इज द मेन्यू ऑफ प्रोग्रामिंग वे आर यू कैन सिलेक्ट अ कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स ब्लॉक्स पैलेट होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स डेट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इन टू द कोडिंग एरिया ब्लॉक पैलेट में बहुत डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स होते हैं जिसे आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं कहाँ पर कोडिंग एरिया में ग्रीन फ्लैग इज यूज टू रन और प्ले अस्क्रैच जूनियर प्रोग्राम हमें स्क्रैच जूनियर प्रोग्राम को रन और प्ले करना है तो हम ग्रीन फ्लैग ब्लॉक का यूज करेंगे बैकग्राउंड इज यूज टू एड अ न्यू बैकग्राउंड अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में नया बैकग्राउंड एड करना है सो वी विल टेक हेल्प फ्रॉम बैकग्राउंड नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज तो अब तक हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के थ्रू आपको कितना समझ में आया नंबर वन टेक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है उसके चार ऑप्शन है आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना है नंबर वन डैश इज यूज टू सेव द प्रोजेक्ट एंड रिटर्न टू द होम पेज कौन सा बटन हमारी हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए और वापस होम पेज पर जाने के लिए होम बटन स्टेज और ग्रीन फ्लैग करेक्ट ऑप्शन इज होम बटन डैश इज वेयर द एक्शन टेक प्लेस इन द प्रोजेक्ट वो कौन सी मेन स्पेस है जहां पर प्रोजेक्ट में कोई एक्शन लिया जाता है स्प्राइट स्टेज बैकग्राउंड और नन ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेज नेक्स्ट वन डैश इज यूज टू रन और प्ले अ स्क्रिप्ट स्प्राइट ग्रीन फ्लैग एड न्यू स्प्राइट और स्टेज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ग्रीन फ्लैग क्वेश्चन नंबर फोर यू विल डू बाय सेल्फ क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक डैश ब्लॉक्स आर यूज टू चेंज द लुक ऑफ स्प्राइट कौन से ब्लॉक की हेल्प से हम स्प्राइट का लुक चेंज करते हैं डेट इज लुक्स ब्लॉक्स नंबर टू डैश ब्लॉक्स आर यूज टू एड साउंड टू द प्रोजेक्ट कौन से ब्लॉक की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट में साउंड को इंसर्ट करते हैं डेट इज साउंड ब्लॉक एस यू एन डी एच साउंड ब्लॉक नंबर थ्री डैश होल्ड द ब्लॉक एंड ड्रॉप इन टू द कोडिंग एरिया वो क्या चीज है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसका यूज आप अपने कोडिंग एरिया में करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक्स पैलेट में भी एल ओ सी के एस ब्लॉक पैलेट पी एल ए डबल टी ई क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव यू डू बायर सेल नाउ क्वेश्चन ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट अब कुछ स्टेटमेंट है आपको उसको रीड करना है अगर वो स्टेटमेंट सही है देन यू विल राइट टी If they are false, अगर वो गलत है देन यू विल राइट एफ फॉर देम तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन ब्लॉक्स कैटेगरी होल्ड द ब्लॉक्स डेट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इन टू द कोडिंग एरिया ब्लॉक्स कैटेगरी में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिसे आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं अपने कोडिंग एरिया में येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू

दे आर ब्लू इन कलर तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट स्प्राइट इज द मेन करेक्टर डेट परफॉर्म एक्शन सबसे मेन कैरेक्टर है जो क्या करता है स्टेज पर एक्शन परफॉर्म करता है येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू लास्ट वन स्क्रैच जूनियर इज अ कोडिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन पुट ब्लॉक टूगेदर टू क्रिएट आ कोड स्क्रैच जूनियर एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सारे ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं और क्या क्रिएट करते हैं एक न्यू कोड क्रिएट करते हैं यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्वेश्चन नंबर डी नेम द फॉलोइंग इट इज द मेन्यू ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स वेयर यू कैन सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ ब्लॉग ये एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक मेन्यू है जहां पे आपको क्या मिलते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते हैं तो वो क्या चीज है दैट इज ब्लॉक्स कैटेगरी ब्लॉक्स कैटेगरी द नेक्स्ट वन इज इट होल्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक डेट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इन टू द कोडिंग एरिया वो क्या चीज है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते हैं किस लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कोडिंग एरिया में दैट इज ब्लॉक्स पैलेट बी एल ओ सी के एस ब्लॉक्स पैलेट पी एल ए डबल टी ए पैलेट नेक्स्ट वन इट इज यूज टू रन और प्ले अ स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट हम किसकी हेल्प से स्क्रैच जूनियर प्रोग्राम को रन और प्ले करते हैं दैट इज ग्रीन फ्लैग जी आर डबल एंड ग्रीन एफ एल ए जी फ्लैग फोर्थ एंड फिफ्थ यू विल डू बायर सेल्फ नाउ क्वेश्चन नंबर ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब कुछ क्वेश्चन है आपको उसको रीड करना है और क्या करना है उसके आंसर्स देने हैं तो नंबर वन व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिगिंग ब्लॉक्स हमने जब डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रिगिंग ब्लॉक्स के बारे में यू विल रीड इट एंड राइट द आंसर बाय योर सेल्फ नेक्स्ट वन वट इज द यूज ऑफ लुक्स ब्लॉक लुक्स ब्लॉक्स का यूज हम क्यों करते हैं इट इज यूज टू चेंज द लुक ऑफ स्प्रा नंबर थ्री विच बटन इज यूज टू एड न्यू बैकग्राउंड वो कौन सा बटन है जिसे क्लिक करने से न्यू बैकग्राउंड एड होता है दैट इज बैकग्राउंड बटन बी ए सी के बैक जी आर ओ यू एंड ग्राउंड नेक्स्ट वट इज द यूज ऑफ ब्लॉक पैलेट ब्लॉक पैलेट का क्या यूज होता है ब्लॉक पैलेट होल्ड द डिफरेंट ब्लॉक्स टू ड्रैग एंड ड्रॉप इन टू द कोडिंग एरिया नंबर फिफ्थ वट इज़ द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक हमने ब्लॉक्स के बारे में जब पढ़ा था तो मोशन ब्लॉक के बारे में में भी उसी में पढ़ा था सो रेस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन यू विल डू बायोर सेल्फ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं और उनके आंसर्स भी बताए हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद करेंगे यू हैव टू डू इट बाय सेल्फ तो बच्चों आपको कैसी लगी ये वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो स्टे ट्यून फ्रॉर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय